Daily Live, a platform to sharing your thoughts. Good evening, gentlemen. Welcome, Ravi Kamraji. Welcome, Anushraji. Good evening. Good evening, sir. Welcome, Deep Bhatji. And welcome, Sumer Agarwalji. Thank you. So we are here today to celebrate our beloved Devanand Saab's guide. The classic, I think the best of Bollywood of last 110 years. Wow. I'm sure there's no better film than Guide. It has such a vast canvas that we can talk about it for hours. As you all know, it was based on R.K. Narayan's The Guide novel and released in 1966. It was a super hit at box office, a Bollywood classic, and the Time magazine has listed Guide at number 4 on its list of best Bollywood classics. It's memorable for its highly acclaimed performances by lead actors Devanand, Dev Saab, Vaida Ji, Kishore Sahu, Anwar Hussain, Rashid Khan, Leela Chitnis, Gajanand Jagirdar, and there's so many other supporting cast. And they all performed very well, as we all know. Everybody gave his best, and it was all because of Goldie Vijayan. He was hardly 27, 28 years when he made Guide. And the way he's made it, my God. I don't think anybody could do it at that age. And the music of the film, which was given by Barmanda, S.D. Barman. And beautifully written songs by Shailendraji. Yes. Equally greatly sung by Mohammad Rafi, Lataji, Kishore Kumar, Manna Day, and even S.D. Barman also had a beautiful song, Vahan Kaun Hai Tera, Musafir, Jayega. So we're all here, and we'll all one by one, we'll all talk about the movie. Everybody will get about 6 to 7 minutes, and I'll start it with Deep Bhatji. Deep Bhatji is from, as you all know, senior editor, Hindustan Times, Haldawani. So over to Deep Bhatji. Thank you. सर गाइड मेरी कॉलेज लाइफ से ही पसंदीदा फिल्म रही और उस समय मैं समझता हूँ कि मेरा ज्ञान उस लेवल पर नहीं था लेकिन जब मैंने गाइड को कई कई बार देखा है और फिर देव साहब से मेरा जब इंटरेक्शन हुआ और गाइड के बारे में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने गाइड की ताकत में मैंने उनसे सवाल किया था कि गाइड की ताकत क्या है तो उन्होंने सिंपली कहा कि गाइड की ताकत दीप जनता है तो ये तो हर फिल्म के साथ होता है कि जनता ही ताकत होती है किसी भी फिल्म की लेकिन मैं समझता हूं उस फिल्म की एक तो स्क्रिप्ट उसकी ताकत देव साहब तो खुद है ही लेकिन देव साहब के साथ ही विजय आनंद जो हैं विजय आनंद ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उस फिल्म के अंदर अपना बेस्ट दिया उन्होंने जो स्क्रीन प्ले है जो इंग्लिश में गाइड बनी है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट बनी है हिंदी की गाइड देव साहब ने खुद कहा कि अंग्रेजी की जो गाइड है वो अंग्रेजी की गाइड जो है आर के नारायण की किताब है ये देव साहब का कहना था और जो हिंदी की गाइड है वो आर के नारायण की किताब नहीं है उन्होंने वो उसका बेस हो सकती है फाउंडेशन हो सकती है बट नॉट कॉपी ऑफ बुक वो एक अलग ही चीज है तो जो स्क्रिप्ट विजय आनंद साहब ने लिखी गोल्डी साहब ने लिखी वो अद्भुत थी
और देव साहब ने बताया था कि गोल्डी हिचक रहे थे इस फिल्म को करने से पहले, उनके ही शब्दों में मैं कह रहा हूं, उन्होंने मुझसे बोला था, गोल्डी बड़ा ब्रिलियंट लड़का था, बल्कि जब गाइड अंग्रेजी बनी थी तब वह झिझक रहा था, मैं कैसे बनाऊंगा। तो मैंने उससे कहा था कि इसमें ऐसे जम्स हैं कि इसे आप ही बना सकते हो और आप ही बनाओगे, आप ऐसी बनाओगे कि दुनिया उसको याद रखेगी। देखिए, देव साहब को पूरा भरोसा था अपने यंगर ब्रदर पर, उन्होंने कहा आप ही बनाओगे और आप बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे दुनिया उसको याद रखेगी, और दुनिया उसे आज भी याद कर रही है। ये देव साहब के वर्ड्स थे जो उन्होंने गोल्डी को कहे थे, और उनका कहना था कि गोल्डी एक ऐसा शख्स था जिसका दिमाग बहुत तेज था, उसको एक चाबुक देने वाला इंसान चाहिए था। ये भी उनका कहना था कि उसे एक चाबुक देने वाला इंसान, मतलब इतना ग्रेट 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 भाई है। मैं उस समय भी हंसा था, देव साहब से इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा कुछ नहीं उनसे, लेकिन वो ऐसी बात कर रहे थे कि उसको चाबुक देने वाला एक इंसान चाहिए था, नहीं तो बैठ सकता है। उनका कहने का मतलब ये था, तो चाबुक हम देते थे, उन्होंने ये बात कही। बड़ा भाई था मैं उसका, पूरा फील्ड मिला हुआ था उसको, पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक पिक्चर का सोचो, लिखो और कुछ नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। सोचो कितना फर्क पड़ता है इसका। ये देव साहब के वर्ड थे जो उन्होंने गोल्डी को बोले थे गाइड बनाने से पहले, और गाइड जो है, जो उन्होंने सोचा था वैसे ही गाइड बनी। गाइड की ताकत क्या है, गाइड का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। इत्तफाक यह है कि मैं गाइड के राजू से भी मेरा दोस्ताना रहा और मेरा रोजी के पास भी जाना हुआ, तो दोनों ने गाइड को जिस एंगल से बताया, उन दोनों की बेस्ट फिल्म है गाइड। हालांकि देव साहब कभी ये नहीं कहते थे, लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि कल मैं रहूं या न रहूं, मेरी दो फिल्में रहेंगी, एक हम दोनों रहेगी और एक गाइड रहेगी, ये उन्होंने बोला। उससे पहले देव साहब ने कभी नहीं कहा, वो कहते थे नवकेतन की जो भी फिल्म बनी है वो तमन्ना से बनी है, बहुत मुश्किल है उसके बारे में कहना कि कौन सी फिल्म बेहतर है कौन सी नहीं है। तो गाइड की ताकत के तौर पर मैं मानता हूं, एक तो स्क्रीन प्ले गोल्डी साहब का अद्भुत था, उसके संवाद अद्भुत थे, कोई एक्टर ऐसा बॉलीवुड का नहीं है जिसको उसके संवाद याद ना हो। नसीर साहब ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा था कि मैं जो है आईने के सामने खड़ा होके उनके संवाद दोहराया करता था गाइड के, और यही मेरे साथ हुआ। जब मैं वहीदा जी के घर पर गया तो मैंने वहीदा जी को वो संवाद खुद सुनाए हैं, जो उनका संवाद है कि कोई समझे ना समझे, मैं समझता था कोई समझे ना समझे रोजी जरूर समझ जाएगी, पर समझ भी कितनी ना समझ निकली। देखिए, समझ और ना समझ को पिरोना, वर्ल्डों की क्या अदायगी, वर्ड्स की क्या अदायगी होती है खूबसूरत। मैं समझता हूं गोल्डी साहब का कोई सानी इस इंडस्ट्री में नहीं है, आज वो नहीं है, दोनों भाई नहीं है इस संसार में, लेकिन जो वो डायलॉग लिख गए गाइड के, वो आज भी ऐसे हैं, ऐसा स्क्रीन प्ले वो लिख गए हैं। उसकी ताकत सबसे बड़ी यह है कि वो स्क्रीन प्ले अभी भी दर्शकों के दिल से जाता नहीं है, उसको लगता है राजू मेरा कोई अपना सा है, मेरा अपना ही आदमी है राजू से वो आइडेंटिफाई करता है, और फिर मुझे लगता है कि अपने में आदमी खोट नहीं देखता, राजू में कुछ खोट भी है, ये नहीं है। जैसे वहीदा जी बोली, मैंने कहा राजू के किरदार के बारे में आपका क्या कहना है, बोले राजू बहुत क्रेजी है, तीनों किरदार अच्छे हैं। मैंने कहा इस फिल्म की ताकत क्या है, तो वहीदा जी के शब्दों में वहीदा जी ने कहा इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये जो फिल्म है, उन्होंने खुद ही बोला है, स्क्रीन प्ले इतना सुंदर है कि एक सदी बाद भी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि गाइड की शूटिंग के पूरे अनुभव के बारे में सोचती हूं तो लगता है बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा गाइड का, सबकी फेवरेट फिल्म है, मेरी भी बेस्ट फिल्म है। वहीदा रहमान जी जो प्यासा कर चुकी हैं, जो गुरुदत्त की तमाम और फिल्में कर चुकी हैं, उनका कहना है कि मेरी बेस्ट फिल्म है गाइड, और उन्होंने ये भी कहा कि आज तक यह फिल्म एवरग्रीन है, सब्जेक्ट ही ऐसा था कि यह आज तक एवरग्रीन है, ऐसा नहीं है कि यह पुराने ख्यालात की फिल्म हो, पुराने ख्यालात की फिल्म नहीं है। एक तो उसकी ताकत यह है सबसे बड़ी, वो सब्जेक्ट उस समय भी जब देवानंद साहब ने उस फिल्म को बनाया, उस समय भी वो सब्जेक्ट बहुत बोल्ड था उस जमाने के लिहाज से,
और एकदम मॉडर्न था उस जमाने के लिहाज से, वो काफी आगे की फिल्म थी। तो उनका कहना यह था कि उस वक्त भी बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था। गाइड की फाउंडेशन तो आर के नारायण के उपन्यास द गाइड पर ही खड़ी है। जब आपको उपन्यास आधारित कोई फिल्म बनानी हो तो आप स्क्रिप्ट में कुछ फेरबदल भी कर रहे हो तो आसान हो जाता है, क्योंकि तो उसकी स्क्रिप्ट जो है एक क्लासिक उपन्यास पर थी। तो एक तो उसके संवाद बहुत शानदार हैं, और उनका कहना यह था तीनों किरदार जो है, तीनों किरदार कोई उनमें खोट नहीं है, तीनों अपनी अपनी इन्वेंशन में लगे हुए हैं। मार्को गुफाओं की खोज में लगा है, वो एक टूरिस्ट गाइड है, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ताकत ये भी है, क्योंकि समय की कमी है सर, तो मैं ये मानता हूं कि वो देव साहब की स्टार इमेज इतनी तगड़ी थी जिस दौर में गाइड बनी है, उस दौर में वो स्टारडम के अपने चरम पर थे, और ये खतरे भी थे गाइड के साथ कि उनकी स्टारडम कहीं उनके चरित्र पर हावी ना हो जाए। और गोल्डी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, उन्होंने देव साहब की स्टारडम को राजू पर हावी नहीं होने दिया कहीं भी। उस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उस फिल्म में राजू है, टूरिस्ट गाइड है राजू। राजू एक चरित्र में तब्दील हो गया है, सबसे बड़ी बात यह है। देवानंद नहीं है, देवानंद की स्टार इमेज को उन्होंने लादने नहीं दिया पूरी 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 फिल्म के अंदर कहीं, और यह काम बहुत मुश्किल से हुआ, यह आसान नहीं था, देव साहब के साथ बहुत मुश्किल थी। और वहीदा जी ने मुझे बताया था, मैंने कहा वो तो मानते नहीं थे देव साहब को भी इतनी आसानी से, जब तक रीजनिंग उसकी समझेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा देखिए दीप जी, गोल्डी और जो देव साहब हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी थी। देव साहब बहस करते थे हर शॉट पर बात होती थी पहले, उसको फिल्माने से पहले, लेकिन गोल्डी साहब उनको समझाते थे कि पापा जी थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि आप देवानंद हो, आप स्टार हो, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ प्लीज, और आप समझो कि मैं राजू गाइड हूं, आप उस कैरेक्टर में ढल जाओ पूरी तरीके से। तो ये समझाना बहुत मुश्किल काम था, ये चेतन साहब से नहीं हो सकता था, मेरे को वहीदा जी ने कहा ये काम गोल्डी ही कर सकते थे, और गोल्डी ने वो काम किया। और देखिए देव साहब आज अमर हैं, और वो देव साहब के मिजाज की फिल्म नहीं है। देव साहब आप देखिए जब गाइड बनी है, गाइड के आसपास बहुत सारी फिल्म बनी है उनकी, कोई भी फिल्म उनकी आज तक की जितनी फिल्म उन्होंने की है, गाइड बिल्कुल डिफरेंट है, सब्जेक्ट डिफरेंट है। और उसकी ताकत मैं कहूं तो जैसा आपने पहले भी कहा, उसकी ताकत जो है एस डी बर्मन का संगीत है, बहुत बहुत बड़ी ताकत है वो। शैलेंद्र के लिरिक्स, अगर शैलेंद्र का ये गीत उस फिल्म से हटा दिया जाए, कांटों से खींच के या आंचल, तो क्या रह जाएगा गाइड में। आप देखिए वो गाइड में कोई भी किरदार कमतर नहीं है, यहां तक कि मैं कहूंगा जो उल्हास भी, जो देव साहब के मामा बने हैं, वो एक दो सीनों में होंगे, लेकिन वो एक दो सीन में बता गए कि मैं उल्हास हूं, और वो उन्होंने बता दिया। और देव साहब को मैंने मजाक में कहा था एक दिन, मैंने कहा देव साहब आपके कदमों पर, लास्ट में आपके कदमों पर सब थे, क्या रोजी, क्या मतलब अनवर जो वो गफूर है आपका दोस्त, जो आपसे लड़े झगड़े थे, सारे लोग आपके कदमों पर थे, वो रोजी भी आपके कदमों पर थी। मैंने कहा क्या मामा तब भी नाराज थे? तो उनको एक बार थोड़ा हंसी आई, फिर उन्होंने कहा दीप मामा कौन? मैंने कहा मामा जो कहते हैं गांव के करेले हैं, कड़वे तेल में बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने कहा जिन मामा को आप डांटते हैं, उल्हास को आप कैसे भूल गए? बोले दीप मामा तुम्हें याद रह गया है, जनता उसे भूल गई है। तो इस फिल्म की ताकत, इसका दर्शकों पर इम्पैक्ट भी इसलिए है, मेरा सब्जेक्ट भी यही था, इसमें देव साहब ने एक अलग लोक की यात्रा की है। मैं अपनी बात कुछ शब्दों के साथ समाप्त करूंगा। देखिए ये यात्रा कई लोगों के साथ हुई, देव साहब ने अपनी कला की हद तोड़ी इसमें, जो उनकी हदें बनी थी, जो उनका स्टारडम बना था, जो उनकी स्टाइल बनी थी, वो एक दो सीनों में आपको कहीं नजर आती है। शुरुआत के सीन है, जब सेकेंड हाफ उसका है जहां वो साधु बने हैं, जहां वो मैं समझता हूं बिल्कुल ही बदल गए, वो चरित्र में ढल गए, ऐसा 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 अमृत्व उनको इस फिल्म ने दिया है, वो बिल्कुल कैरेक्टर में ढल गए। राजू मतलब देवानंद कहीं गायब हो गया फिल्म से, सिर्फ चरित्र दर्शक के सामने रह गए। और एंडिंग शॉट उनका बहुत अद्भुत है, और एक तरीके से तो एक तरीके से यात्रा राज कपूर ने की, राज कपूर साहब ने जो है जागते रहो में की, वो उनके मिजाज की फिल्म नहीं थी,
ये गाइड देव साहब के मिजाज की फिल्म नहीं थी, तीसरी कसम राज कपूर साहब के मिजाज की फिल्म नहीं थी, उन्होंने की, वो गाड़ीवान बने, हीरामन बने उस फिल्म में। तो जब जब हदें टूटी हैं, अपनी लिमिट तोड़ता है, जब वो अपनी लिमिट तोड़ने को राजी हो जाता है, यहां विजय आनंद साहब ने उनको राजी किया, गोल्डे साहब ने राजी किया, तो उन्होंने अपनी इमेज तोड़ी, जो उनका स्टाइलिश पन था या जो भी था, वो अपनी हदें तोड़ने को राजी हो गए तो वह अमर हो गए। उनको दुनिया आज भी राजू गाइड के नाम से जानती है। कोई भी कहता तो राजू गाइड उनको मैं जन्मदिन की बधाई विश करता था, तो मैं कहता था राजू गाइड को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, हालांकि मैं देव साहब भी कहता था। तो वो किरदार छा गया, अमर हो गए वो, और जाते वक्त वो खुद कह गए हैं, ये मेरे से उन्होंने जोड़ दे के कहा कि दीप लिखो नहीं, मेरी आदत है मैं लिख लेता हूं चीजों को, उन्होंने कहा लिखो नहीं, ध्यान से सुनो, कल मैं रहूं ना रहूं, ये लफ्ज उनके जुबान पर कभी आते नहीं थे, ये लफ्ज हम दोनों रंगीन करते वक्त ही आ गए थे, कल मैं रहूं ना रहूं मेरी ये दो फिल्में रहेंगी, हम दोनों रहेगी, गाइड रहेगी। तो हमने उनसे कहा देखिए आपकी दोनों फिल्में हमारे दिल में है, बहुत प्यार से मैंने उनसे कहा था, तो उनकी समझ में आ गया था, मैंने कोई 400-500 फिल्में जो की हैं, जो भी किया उन्होंने, उस सब में ये दो फिल्में ऐसी हैं जो दर्शकों के दिल दिमाग से कभी जाएंगी नहीं, ये वो भी मान गए थे। और बाकी वहीदा जी का कहना था, देखिए जो गाने हैं उनमें वो गोल्डी साहब की खूबी है, गोल्डी साहब ने सैलिन जी को समझाया होगा, इतने प्यार से समझाया होगा, एक औरत जो इतनी फ्रस्ट्रेट है और वो डांस में अपना मकाम बनाना चाहती है, और उसको अब पर लग गए हैं, उसको पर लग गए हैं, और वो एक उमंग उड़ान उसकी जिंदगी की लौट आई है, तो शायद उन्होंने समझाया होगा सैलिन जी को, तभी वो अमर गीत बना कांटों से खींच के यहां चल, और वो टैबूज टूटे जो उस जमाने के टैबूज थे, तो वो चीज है। दूसरा जो स्नेक डांस है उसके अंदर, वो भी उसकी बहुत बड़ी ताकत है, एस डी बर्मन साहब का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो सपेरा नाच है वो जिस ढंग से उन्होंने उसकी धुन बनाई है, जिस ढंग से उसको पूरा मतलब बहुत ही खूबसूरत टुकड़ा है वो उस फिल्म का। और गाइड की एक एक चीज सर, टेक्निकली मुझे सुनील ने बताया था कि गाइड के लिए देव साहब ने, उन्होंने कहा कि गाइड में जो कैमरा है वो थर्ड पर्सन की तरह है, थर्ड पर्सन है वो, बाकी उसके किरदार हैं और सब चीज है, स्क्रिप्ट है, लेकिन थर्ड पर्सन कैमरा है उसका। और वो कैमरा देव साहब ने गाइड की पूरी तैयारी थी देव साहब की, वो उस फिल्म को ये वो बनाना ही ऐसा चाहते थे कि वो अमर बने, वो उनकी इच्छा में शामिल था। तो वो कैमरा उस समय तक बॉम्बे में लॉन्च नहीं हुआ था, वो कैमरा गाइड के लिए देव साहब ने मंगाया, वो मिचेल कैमरा कहते हैं उसको, मिचेल हमारी भाषा में मिसेल कहेंगे कुछ कहेंगे, MITHIL करके कुछ है मिसेल, वो कैमरा सबसे आधुनिक कैमरा था, सबसे पहले गाइड के लिए कैमरा बॉलीवुड में वो आया है। तो टेक्निकली भी गाइड सुपर फिल्म है, वो कैमरा उस कैमरे से शूट हुई है फिल्म, फाली मिस्त्री ने किया शूट, इसलिए जब आप उसकी सिनेमेटोग्राफी देखते हैं, सुबह जैसे वो जब गाना चल रहा है एस डी बर्मन साहब का मुसाफिर जाएगा कहां, जो उसमें अरुणिमा है सुबह की वो जो दिखती है ना, वो बहुत ही अलग तरह का लुक है उसमें सिनेमेटोग्राफी का। तो टेक्निकली भी गाइड सुपर थी, ये भी उसकी बहुत बड़ी खूबी थी। उसके बाद सुनील ने मुझे बताया कि वो कैमरा राज साहब ने मंगाया उसके बाद, और तीसरे नंबर पर मनोज कुमार साहब ने मंगाया, उस कैमरे से उन्होंने अपनी फिल्में शूट की। तो गाइड की सबसे बड़ी ताकत यह है, और गाइड के संभालों की बहुत ताकत है, गाइड के गीतों की बहुत ताकत है, और आज भी जो असर है, आज भी मुझे वहीदा जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा दीप वो इतना बोल्ड और आधुनिक सब्जेक्ट था कि 1965 में जब वो फिल्म रिलीज हुई है उस समय भी कोई रोजी राजू और मार्को हो सकते थे, और 2012 में जब हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त भी बंबई के अंदर हिंदुस्तान, मैं तो बंबई में रहती हूं, उन्होंने कहा तो मैं बंबई की बात करूंगी, बंबई के अंदर भी कोई रोजी राजू और मार्को इस वक्त टहल रहे होंगे, वो अपने काम पर लगे होंगे, और आने वाले 100 साल बाद भी उन्होंने कहा ये इतना मॉडर्न सब्जेक्ट है कि कोई रोजी कोई राजू और मार्को की यात्रा खत्म नहीं होगी, तब भी ये तीनों किरदार मिलेंगे। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यह है, और इस फिल्म की ताकत ही है, यही ताकत है इस फिल्म की, आज भी दर्शक इसे भूले नहीं, आज भी हमारे दिमागों से नहीं जाती। हम सारा कंसेशन देते हैं देव साहब को, देव साहब ने
जो कुछ भी देव साहब में देव साहब दस्तखत करते हैं उसमें एक सीन है जहां वो मार्को का वो आता है, तो मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा देव साहब क्या क्या कौन सा सीन, उन्होंने कहा, मैंने कहा देव साहब एक सीन है उसमें, क्या ये राजू घबरा गया था क्या उस वक्त, वो अंदर जाने नहीं देता मार्को, वो जो फूल आते हैं ना, मार्को आता फूल लेके, तो उन्होंने फट से मुझे कहा एकदम से, मैंने कहा ये कुछ चरित्र की कमजोरी आपको नहीं लगती राजू की, कि राजू डरा हुआ है कि अगर अब ये चला गया तो इनके रिलेशन हो जाएंगे। बोले नहीं दीप, एक औरत जो है अपने, मैं ऐसा सोचता हूँ इस बात को बिल्कुल नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे देव साहब, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं ये मान के चलता हूं कि एक औरत जो अपना पुराना चैप्टर छोड़ के आ गई है वो फिर अपना रिमाइंड क्यों करे वो चैप्टर को, मैं अंदर उसे इसलिए नहीं जाने देता हूं कि अगर वो अंदर जाएगा तो उसको वो दुख होगा कि कभी ये मेरा मेरा हस्बैंड, ये हस्बैंड रहे थे जो मुझे डांस से रोकते थे। तो मैं ही कहूंगा देव साहब अमर हैं, अमर रहेंगे, और गाइड उनकी असंख्य फिल्म है, गाइड को और हम दोनों को, हम मैं गाइड को खास करके, गाइड का सब्जेक्ट है, गाइड मुझे लगता है एक गुलदस्ते की तरह है देव साहब के, देव साहब के लिहाज से अगर सोचूं दर्शकों के, देव साहब के अभिनय का गुलदस्ता है वो, हर कोण से ऐसा गुलदस्ता है जो हर कोण से किसी गुलदस्ते को हम रखते हैं टेबल पर वो हर कोण से खूबसूरत नजर आता है, ऐसा नहीं है उसका ईस्ट बढ़िया है वेस्ट बढ़िया है या कोई उसका नॉर्थ साउथ बढ़िया है, वो उनके पूरे व्यक्तित्व को एक गुलदस्ते के तौर पर पेश करती है खूबसूरत, और वो एक खूबसूरत नजीर है हमारे हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा की। जब जब देव साहब का नाम लोग लेंगे तो गाइड का नाम लेंगे, तो राजू गाइड उनकी स्मृतियों में रहेगा, राजू गाइड अमर है, अमर रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों में साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। भाई वाह, क्या बात, फैंटास्टिक। अभी अशोक कुमार मल्होत्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गाइड द क्लासिक, गाइड की कास्ट की स्पेशलिटी, कास्ट का कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में दो शब्द कहें। थैंक यू। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही इनकी, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट। हाँ जी, अरे हाँ जी, आप ठीक है। अरे आज देश आपका 97th बर्थडे है। सबसे पहले मैं दी एवरग्रीन डेवलपमेंट सोसाइटी जयपुर को बधाई देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को उन्होंने कोरोना पेंडेमिक के चलते हुए भी इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से इसको ऑर्गेनाइज किया है। ऑडिटोरियम में हुआ था, लेकिन इस साल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और ये शायद मतलब हिंदुस्तान में एक ही ऐसा या कुछ मतलब चंद शहरों में होगा कि ऐसा कार्यक्रम करके उनकी उनको याद किया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्साही पूरी सोसाइटी को मैं बधाई देता हूँ। तो मैं अपने से बात शुरू करता हूँ। मैं कोई 8 साल का रहा हूँ जब मैंने उनकी पहली पिक्चर देखी सी आई डी। तो इसके पहले 3-4 पिक्चरें देखी हुई थी, नाजीन नारकरी बड़े टाइप। तो सी आई डी देख के एकदम से मतलब कुछ अलग सी लगी पिक्चर भी, और उसमें जो एक्टर थे तो वो भी मतलब बिल्कुल अलग है, बोलने का चलने का बात करने का स्टाइल उनका जाना जाने का थे। पूरी उसकी मेकिंग की स्टोरी हम लोग अपनी उसमें रखते थे, क्या क्या चल रहा है उसमें। तो उस समय तक उनकी इंग्लिश में भी गाइड फ्लॉप हो चुकी थी, और उसमें 65 लाख रुपए उनके डूब चुके थे। तो ऐसा हौसले वाला मतलब शायद ही कोई फिल्म लेकर होगा, लेकिन उसके बाद भी मतलब गाइड को हिंदी में बनाना चाहता हूँ। मोदी ने उनको मना किया था कि आप हिंदी में ना बनाओ इसको गाइड को,
लेकिन जब विक्रमानंद राज कोटला से मिला हो गया उसकी डायरेक्शन का किसी ना किसी उसका टाइम नहीं है तो लास्ट में फिर गोल्डी के पास पहुंचे तो उसको मैं आया तो उसने कहा कि ये जो कहानी है ये सुटेबल नहीं है तो इसको अगर मैंने डायरेक्टिंग करनी है तो मैं इसको दोबारा से लिखूंगा तो उसके लिए मान लिया और उन्होंने जाके महाबलेश्वर में 18 दिन में इसकी इसकी पूरी डायलॉग और ऐसी कहानी लिखी के मतलब पूरी जो अमर हो गई है आज और ये हमेशा अपने टाइम से आगे एडवांस ही पिक्चर बनाया करते थे तो आपके जितनी भी लोग जो देखने गए तो वो बहुत ही मतलब हैरान हो गए थे कि देवनंद की पिक्चर ऐसी देख के जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी तो और कुछ फ्लैशबैक और कुछ इस तरह का होने से लोगों को थोड़ी पहले समझ में नहीं आई इसलिए वो डिलीट कर रही थी पिक्चर को। उसके बाद जो जो टाइटल आ गया लोग समझते गए पिक्चर की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तब कई साल निकल गए तो धीरे धीरे ओवर पासेज ऑफ टाइम ये पिक्चर इसमें प्रोजेक्ट बनाने में थोड़ी साल का हाथ तो है ही है लेकिन मेन जो राजू गाइड है देवानंद उन्होंने इस पिक्चर में ऐसा अभिनय किया है कि आप कभी भी ये सोच नहीं सकते अग्रवाल साहब आपके यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज आप थोड़ा आवाज आ रही है जी म्यूट कीजिए और लेडीज की आवाज आ रही है हाँ जी प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज हाँ ठीक है अभी ओके ठीक है देव साहब ने जो रोल किए हैं एक्चुअली इसमें तीन रोल हैं जो तीन एक्टर कर सकते थे एक तो उनका राजू गाइड का रोल है उसके बाद जब उनके रोजी के साथ प्यार या लिविंग रिलेशन शुरू होता है तो वो उनका जो रोमांस वाले सीन है और तीसरा जब वो पंजाबी टाइप स्वामी बन जाते हैं तो वो है अगर आप सोचें कि इसमें कौन एक्टर जो तीनों रोल में होगा तो उस समय के जो भी टॉप थे राजकूर दिलीप कुमार तो कोई भी आपके समझ में नहीं आ सकता कोई रोल दिलीप कुमार जो है आगे वाला कर लेते राजपूत शायद थोड़ा गाइड वाला कर लेते लेकिन बाकी दोनों पार्ट कोई नहीं कर सकता ये राजू गाइड देव साहब के बस में था कि तीनों में इक्वली और इतना स्ट्रॉन्गली अनएक्सपेक्टेडली उसमें उन्होंने एक्टिंग की है कि उनको हमेशा के लिए गाइड का भी उन्होंने दिया और इमोर्टल हो गए और इसके बाद उनको आज तक यही कहा जाता रहा कि बॉलीवुड के गाइड बन गए वो हमेशा के लिए उनकी जब डेथ हुई तो भी बहुत सारे पेपर में हेडिंग यही था तो बॉलीवुड के गाइड नहीं रहे तो ये उनकी देवानंद साहब का अभिनय इतना स्ट्रॉन्ग था मैं आपको एक 2017 में एक लड़की है उसने ये पिक्चर देखी थी पहली बार उसकी स्टेटमेंट दिया था सुहासिनी कृष्णन साउथ इंडियन तो कहती मेरी माँ हर समय देव साहब की बात किया करती थी और यही कहती थी आजकल के एक्टरों में लड़कों में वो बात नहीं है जो जो हमारे टाइम में देव साहब ने थी तो कहती मुझे नहीं पता था तो कहती 2017 में मैंने गाइड देखी तो उसने ये लिखा है मतलब दो लाइन की स्टेटमेंट है गाइड वाज फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस द फिनोमिनन दैट इज देवानंद एंड आई वाज फ्लोर्ड मुझे तब पता चला कि देवानंद क्या मतलब फिनोमिनन का नाम है कि जो मतलब सारी दुनिया पागलपन दीवानापन उनके उनके पीछे चल रहा है और देव साहब की एक्टिंग और एक्सप्रेशन जो उन्होंने ऐसे मतलब उसको चेंज किए हैं जब फ्लैशबैक चेंज होते थे तो उस समय जब वो आखिरी में जब वो कहते हैं कि राजू कोई कोई इच्छा वो कहते हैं मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही जब वो कहता है राजू तो मतलब इतना वो भयानक सा सीन है उनको पसीना आया हुआ आंखों में आंखों लाल आंखें देखते मुझे आज तक वो सीन नहीं भूलता एक ये सीन है और एक आखिरी में जब वो क्लाइमेक्स में जब उनका लास्ट सीन होता है उस सीन के लिए वो रेडी नहीं थे नहीं तो विजयनंद ने बहुत समझाया उसके बाद उनको नहीं माने थे उसको डेथ टीम को करने के फाइनली पाली मिस्त्री जो कि उनको बाजी के टाइम से जानते थे उनकी पिक्चरों को डायरेक्ट भी कर चुके थे उन्होंने बहुत समझाया कि देखा हो आप एक्टिंग में आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं अगर है तो ये पिक्चर का ये सीन कर लो ये इसके बाद आप याद रखते जाओगे दुनिया आपको याद करेगी तो उसके बाद इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने उसके लिए एडिट किया और एक रीटेक हुआ था सिर्फ उसमें
दूसरे रीटेक में उन्होंने पूरा सीन दिया था जिसमें आखिरी में वो कहते हैं कि दूर पहाड़ पर बारिश हो रही है, शरीर भी गया, मैं भी चलूं, शरीर बदल लूं। ये मतलब धीरे धीरे आवाज उनकी कमजोर होती जाती है और कुछ लोगों ने वो डायलॉग नहीं सुना मिलता और उसको यह गलत सुना, तो इतनी जबरदस्त एक्टिंग थी उनकी। ये पोर्शन देव साहब का हो गया। अभी 5-7 मिनट और टाइम दोगे तो अब गोल्डी साहब पे आते हैं। तो विजयनंद जी ने ऐसी जैसे पहले भटका बताते थे, थोड़ा मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा कि उसमें ऐसी स्क्रिप्ट लिखी और इस तरह के डायलॉग लिखे उन्होंने कि पूरा कहानी का पार्ट है। एक एक सीन, एक एक डायलॉग अगर उसमें से हटा दिया जाए तो उसकी पिक्चर की कॉन्टिन्यूटी सारी पूरी खत्म हो जाएगी आपकी। तो उसके पहले भी विजयनंद बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते थे, 4-5 पिक्चरें कर चुके थे। लेकिन जैसे रेमंड की एडा थी ना कंप्लीट प्लान, तो गाइड ने उनको कंप्लीट बना दिया डायरेक्टर, स्क्रिप्टर, डायलॉग भी नहीं सिर्फ, इसके बाद वो एडिटर भी उसमें गाइड में बने पहली बार, क्योंकि बाबू शेख ही उनकी पिक्चरों को एडिट करते थे। तो उस समय उनको लगा कि नहीं इसमें मतलब मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वो भी उनके साथ ज्वाइन हो गए, उसी में दोनों का नाम है। तो तब से उसके बाद उनकी एडिटिंग के फील्ड में भी बहुत उनकी योगदान है। और सॉन्ग पिक्चराइजेशन की तो बात ही मतलब अलग है उनकी, मास्टर। तो उन्होंने निजा रहमान से जो आज भी जीने की तमन्ना है, जो उसने एक्टिंग करवाई है, उसके लिए उन्होंने लिखा है एक जगह पे, आप लोगों ने किसी ने पता नहीं पड़ा हो कि नहीं, कहते मुझे सबसे ज्यादा मेहनत निजा को वो ऊंचाई वो मतलब दिखाने में, उसको समझाने में लगी कि मतलब उसको आज भी जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, कि एक साइड से निकल के और दूसरे मिशन पे जाने के लिए जो सोचन है वो उसको एक्सप्लेन करने थे। तो जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था तो लता जी को नहीं लगता था ये बहुत अच्छा गाना है, लेकिन बाद में लता जी ने कहा कि ये विजयनंद ने पिक्चराइजेशन ऐसी की है कि गाना लगता है बस गाना है। तो विजयनंद पे चलिए बात को थोड़ा सीमित करते हैं। इसके बाद उसकी कैमरा की भी बात हो चुकी है, काली मिस्त्री साहब को ये मतलब काम दिया गया क्योंकि देव साहब की पहली तरह पिक्चर थी, उन्होंने ऐसी जबरदस्त इसमें मतलब फोटोग्राफी की है। तो रहमान पहले भी खूबसूरत थी, 14वीं का चांद हो, लेकिन इस पिक्चर में जितनी खूबसूरती दिखाई गई उसकी, जैसे साधना की मेरे महबूब में दिखाई थी, तो इस तरह का वो दोबारा से मतलब कभी इतनी खूबसूरत नहीं लग पाएंगे। और काली मिस्त्री भी वैसी फोटोग्राफी हालांकि जिसमें अवार्ड मिला, इसके बाद भी एक और अवार्ड मिला उनको, लेकिन ऐसी फोटोग्राफी जो दोबारा नहीं कर पाए, मतलब यही सब है क्लासिक के मतलब करेक्टरिस्टिक्स, जो हर करेक्टर ने अपना बेस्ट उसमें दिया था। और इसकी जो स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, ये तो आज तक ऐसे होता है कि हर पिक्चर में जो हीरो है वो मतलब आइडियल होगा, वो भी गलत काम नहीं कर सकता, ठीक है, हीरोइन सती सुश्री टाइप होगी, और जो विलेन टाइप जो रहेगा तो थर्ड मैन, वो बस आगे तक पिक्चर गए वो अपना बुरा ही रहेगा जब तक वो मरना जाए या पुलिस में उसको पकड़ के ले जाएगी। इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है, हीरो जो है उसमें भी कमजोरियां हैं, उसने भी पाप किए हैं, झूठ बोले हैं, इम्परफेक्ट है। हीरोइन है वो भी आखिरी में बीच में जाके जब देखती है मैं ऊपर पहुंच गई हूँ और देश साहब का ध्यान ज्यादा मतलब पैसे और इधर उधर हो गया है, वो भी उसको छोड़ देती है, चीज आउट इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट पहले मार्को को छोड़ चुकी थी। तो तीसरा जो मुश्किल रोल था मार्को का, उसमें ये डर, जिसमें ये डर था कि ये मतलब विलेन नजर नहीं आना चाहिए, तो आपको पिक्चर देखने के बाद भी मार्को से नफरत नहीं होती, आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत खराब आदमी था ये विलेन का। तो इसका डायरेक्टर ने फील्डिंग ऐसे लिखा है कि आपको सिंपथी भी होती है कई जगह पे उसकी जाके मतलब पिक्चर में। और इसके बाद फिर दादा बर्मन का जाइए, इस पर फिर 2-3 मिनट बहुत जरूरी है क्योंकि उनके लाइफ टाइम का ये बेस्ट म्यूजिक है। और जैसे ही मुझे ये गाइड शुरू हुई इसकी म्यूजिक थी, तो उसका एक गाना रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद अर्जुन बर्मन को हार्ट अटैक हुआ, जीवन हॉस्पिटल नहीं, 6 महीने हॉस्पिटल में रहे वो। तो अब बेद साहब तो रोज जाते थे हाल चाल लोग का पूछने, तो जब 2-3 महीने हो गए तो वो बेद साहब को बोले कि देबू कहते थे, तो देबू तुम किसी और को ले लो, मेरा कुछ पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो बेद साहब ने कहा दादा इस पिक्चर ये आपके लिए ही है, पिक्चर का मेहनत आप ही देंगे। और जो उन्होंने कहा मैं रहूंगा, वो कहते अगर इवेंचुअलिटी भगवान ना करे ऐसी हो जाए तो मैं एक गाने के साथ ये पिक्चर रिलीज कर दूंगा, लेकिन दूसरा मिलन डायरेक्टर इस पिक्चर में नहीं आएगा। ये शिद्दत और ये लोगों का आपस में साफ और प्यार था। और एस डी बर्मन ने जो गाना है आज फिर जीने की तमन्ना है, वो इसका यूनिट उदयपुर चला गया था,
उसके बाद रिकॉर्ड किया है और उसको बाई टेप वहां भेजा गया था और उसने कहा था ये गाना पिक्चर का बेस्ट गाना होगा। सुरेंद्र जी ने ऐसे लिरिक्स लिखे हैं पूरी पिक्चर में कि वो हर गाना एक तरह का लगता है डायलॉग है, कहानी का पार्ट है। तेरे मेरे सपने एक रंग है या तो उसके नैन लागे रहते रमान, मतलब पूरा एक लेवल से मतलब कहाँ ऊपर लेवल तक पहुंच जाती है। सैया बेईमान क्या के क्या हो गया हर एक गाने में, मतलब इट इज टेक्स द स्टोरी फर्दर, यही उसकी मेरे मुझे बहुत खासियत थी। और आखिर में जब वो उसका क्लाइमेक्स शूट हो गया तो आखिर में जब होती है बारिश, और नॉवल से यही फर्क है, नॉवल इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट होगा, उसमें यह नहीं दिखता कि बारिश होती या नहीं होती या राजू राइट मर जाता है कि नहीं। तो विजयनंद ने उसको और जो आत्मा परमात्मा और ये वो डायलॉग लिखे 28-29 साल के, तो उन्होंने ये भी कहा विजयनंद ने बाद में कि पिक्चर की पॉपुलैरिटी थोड़ी इससे कम हुई क्योंकि कई लोगों को समय नहीं आता था, लोग बोर हो जाते थे जो आगे यानी जो समय 5-10 घंटे वाली क्लास होती थी। लेकिन कहते हैं कि यही वो मतलब पार्ट था जिसने पिक्चर को क्लासिक बना दिया एक तरह का। तो और इस उम्र में इस तरह के डायलॉग लिखना आत्मा और परमात्मा के हर किसी के बस का नहीं था, जो पिक्चर को उन्होंने क्लासिक कर दिया। तो यही है कि पिक्चर क्लासिक और इसका इम्पैक्ट ये हुआ, मतलब कि उसके बाद ये एक यार्डस्टिक बन गई देव साहब के लोगों को, आगे ये उम्मीद होने लगी कि हर पिक्चर उसी लेवल की होगी। विदर्मान की भी मतलब गाइड से बहुत ही ज्यादा वो हुई, एस डी बर्मन को क्या मतलब हर पिक्चर में उनका म्यूजिक एक से बढ़ के एक होता ही था। बातें तो और बहुत हैं, अगर आप कहें तो। नमस्कार, धन्यवाद। वेरी नाइस मल्होत्रा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। टाइम बहुत कम था लेकिन मैं तो एक घंटे का टाइम रखते अगर तो पूरा उसमें निकाल देते हर चीज को अलग अलग करके। नहीं नहीं बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री सुमेर अग्रवाल जी से वो दो शब्द कहें। हाँ मैं सबसे पहले तो शुरू करूंगा इस चीज से कि गाइड में जब बन रही थी पिक्चर उसमें काफी चेंजेस हुए। पहले जो है उसमें डायरेक्टर थे चेतन आनंद जी और उसके बाद जो है उसमें आए विजय आनंद जी एज डायरेक्टर, और पहले हीरोइन भी जो है वैजयंती माला आ रही थी लेकिन बाद में वहीदा रहमान जी को लिया गया। इसी प्रकार से लिरिसिस्ट भी पहले हजरत जयपुरी थे उसके बाद शैलेंद्र जी को लिया गया। तो इसमें शुरू में काफी चेंजेस हुए और लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी बनी और इट वाज अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म विद अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। एडल्ट्री का एंगल मेरे ख्याल से पहली बार लिया गया था किसी पिक्चर में और इसमें जो इंडियन स्क्रीन पे दिखाई गई थी ये एडल्ट्री की जो कहानी थी ये पहली बार दिखाई गई थी कि किसी और की वाइफ जो है किसी और के साथ रह रही है, ये पहली बार था मेरे ख्याल से पिक्चर में। अच्छा शुरू में जहाँ तक मुझे याद है मैं उस समय पढ़ता था IIT रुड़की में और मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल पाया था अच्छा पिक्चर को, लेकिन विथ टाइम इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत चली बहुत हिट हुई। वो जैसा कि अशोक मल्होत्रा जी ने बताया कि ये स्वामी वाले जो सीन थे और लास्ट वाले जो वो डायलॉग्स थे उसकी वजह से लोगों को थोड़ा समझने में मुश्किल हुए। पिक्चर भी थोड़ी लंबी थी, मेरे ख्याल से 3 183 मिनट्स की थी, 3 घंटे 3 मिनट की। तो हाँ जी 18 रीलों की थी। हाँ तो और लेकिन जैसा कि ये उन्होंने बताया था जो है भट्ट साहब ने कि नाउ इट इज अ क्लासिक, और राजेश बत्रा जी ने भी बताया था कि इन द टाइम्स लिस्ट इट इज ऑन नंबर 4 ऑफ द बेस्ट हॉलीवुड फिल्म्स। तो विजय आनंद डायरेक्शन भी सब लोगों ने डिस्कस किया है, इट वाज एक्सलेंट। और विजय आनंद की तो मतलब जो भी स्क्रीन प्ले होता है और जो सॉन्ग्स पिक्चराइजेशन है इट इज वेरी डिफरेंट। और इस पिक्चर में तो जो डांसेस वहीदा रहमान जी ने करे हैं वो तो बिल्कुल एक्सलेंट है, और जो फोक म्यूजिक दिया फोक लिरिक्स लिखे हैं उन्होंने शैलेंद्र जी ने वो भी अपने आप में एक बिल्कुल मिसाल है। और म्यूजिक तो SD बर्मन जी का बहुत ही बेमिसाल है और इसमें उनको थोड़ा बहुत इसमें RD बर्मन जी का भी योगदान रहा, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो RD बर्मन जी ने भी कुछ उनका साथ दिया था काफी।
और सॉन्ग्स तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे, खास तौर से ये जो वहीदा रहमान जी ने गाया था छोड़ के, मतलब छोड़ के मेरा आंचल वाला, तो ये तो बहुत हिट हुआ था। और जो है देवानंद की एक्टिंग तो बिल्कुल ही लाजवाब थी, और मेरे ख्याल से पहली बार वो राजू गाइड की एक्टिंग करी होगी और जो स्वामी बने होंगे किसी पिक्चर में, इस तरह के स्पिरिचुअल पिक्चर में मेरे ख्याल से इससे पहले तो नहीं कभी आए थे। और दिस वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसमें बिल्कुल वो डिफरेंट रोल में थे और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी थी। और उसके बाद मुझे याद है कि वो एक पिक्चर आई थी उनकी ज्वेल थीफ, उसमें हम लोग टोपी लगा के, वो वाली जो टोपी थी ज्वेल थीफ की, उसको लगा के हम लोगों ने अपनी फोटो वगैरह भी खिंचवाई थी यहाँ लखनऊ में स्टूडियो में। कुछ साल पहले देव साहब जो है लखनऊ आए थे और उन्होंने उनको अवध सम्मान दिया गया था, और उन्होंने एक असमा हुसैन जी का फैशन आउटलेट भी खोला था, उसमें मैं गया था तो मैंने अटेंड किया था, तो मैं देव साहब से मिला था। उसके बाद 2011 में मैं उनके घर जू में आरिस पार्क में गया था, तो उसी समय वो अपने ऑफिस से लौटे थे, लेकिन बस बाहरी मुलाकात हो पाई तो अंदर मैं नहीं जा पाया था। मैंने थोड़ा सा उनकी चिट्ठी ली थी और सजेस्ट किया था कि अपने घर में थोड़ा वास्तु चेंजेस करिए, क्योंकि उनके घर में जो वास्तु की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने बाद में सुनील आनंद को भी लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया उसका, सुनील आनंद का। तो मेरे ख्याल से दिस वॉज द सेकेंड टाइम देवानंद जी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था, जबकि उन्होंने मिस कर दिया था हम दोनों में, काला पानी के बाद ये बेस्ट मिला था, जबकि हम दोनों में भी वो बहुत डिजर्व करते थे। और डांसर्स एंड एक्टिंग बाय वहीदा रहमान वाज आल्सो ट्रीट टू वॉच, और पिक्चराइजेशन तो हर एक ही गाने का विजयानंद जी का लाजवाब होता है। और मैं तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ देवानंद जी का, सिंस 1959 व्हेन आई वाज अबाउट 13 इयर्स ओल्ड, एंड मुझे याद है कि देवानंद जी की दो पिक्चरें रिलीज हुई थी इन 1960 एक साथ, जबकि एक साथ पिक्चरें रिलीज होने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वो थी मुंबई का बाबू और सरद, ये मेरे ख्याल से मई जून में रिलीज हुई थी नैनीताल में, तो मैंने दोनों ही देखी थी और बहुत ही मतलब पिक्चर तो लाजवाब थी, वो भी बम्बई का बाबू, लेकिन कुछ खास चल नहीं पाई थी। और मैं तो ये मुझे याद आता है कि शुरू में जब उनकी पिक्चरें देखने के बाद उनकी स्टाइल ऑफ वॉकिंग एंड मूविंग इज हैंड्स एंड हेड साइडवेज आफ्टर, मतलब एक आदत बन गई थी, तो लोग थोड़ा मजाक भी उड़ाते थे कि भाई आप उनकी नकल कर रहे हैं, हमारे कजन्स वगैरह जो मुंबई में रहते हैं, तो लेकिन वो होता है बचपन की वो कुछ आदतें होती हैं तो वो बन जाती हैं। और तो इस तरह से मतलब मैं तो जब बारहवीं पढ़ रहा था अमेरिका में तो तब भी वहाँ पे फिल्म फेयर मंगाया करता था, और एक बार उनको वहाँ से भी चिट्ठी लिखी थी। तो इस तरह से आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देवानंद, लेकिन अब अशोक मल्होत्रा जी की वजह से मैं देवानंद ग्रुप का मेंबर हो गया हूँ, और समय समय पर उस जो आते हैं फेसबुक पे कमेंट्स वगैरह या आते हैं तो मैं देखता रहता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आइए इस वेब पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके, और बहुत नई नई चीजें पता चल रही है देव साहब के बारे में और गाइड पिक्चर के बारे में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच अग्रवाल जी। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री रवि कामरा जी के वो गाइड के बारे में कुछ कहें। धन्यवाद बत्रा साहब। एक इंग्लिश ऑथर हुए हैं थॉमस कार्लाइल, उनकी एक बुक है ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप। उस बुक में उन्होंने बात की है कि एक ऑर्डिनरी आदमी हीरो कैसे बनता है, पिक्चर के हीरो की बात नहीं कर रहे वो, कि लाइफ का हीरो कैसे बनता है। तो हमने गाइड फिल्म में ये देखा कि एक ऑर्डिनरी आदमी, एक ऑर्डिनरी गाइड, जैसे सभी कह रहे थे कि उस किरदार में, उसके कैरेक्टर में खूब सारी कमजोरियां हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो डेस्टिनेशन थी, उसकी जो
वर्शिप हुई वो उस समय जाके हुई जब वो उन्होंने इतना तप किया अपना और एक उस मुकाम तक पहुंचे, एक लेवल तक पहुंचे। देखिए अगर हम उस सफर की बात करें तो वो स्टेशन पे छोटे से छोटे और अपने स्टॉल के लड़के से भी लड़ लेते थे, वो गफूर से भी लड़े, वो रोजी से भी लड़ते थे, अपनी माँ से भी लड़े जैसे भी ये बात कर रहे थे, मामा से भी लड़े। तो उनमें जो इंसान की जो बातें थी वो सारी थी उस राजू किरदार में। भट्ट साहब ने कहा कि उस पिक्चर में देवानंद नहीं नजर आते, राजू नजर आता है। तो उस राजू की बात कर रहा हूं कि वो किस लेवल पे थे और फिर जब वो इस ऐसी सिचुएशन में आ गए कि जब उनको एक फोर्स्ड स्वामी मान लिया गया और उनको एक किस्म से वो फंस गए इस बात में कि मेरे को अब फास्ट रखना पड़ेगा। वो बात को मानते नहीं थे, उनका डायलॉग भी है कि राजू तू तू को मानता है जाहिर लोगों की बातें कि कभी किसी की किसी का पेट का और बारिश का रिश्ता हो सकता है। आप याद करके देखें कि उसमें इतनी कमजोरी थी उस किरदार में कि वो भागता है, मंदिर से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में पंडित मिलते हैं तो वो दूसरे रास्ते से वापस आ जाता है। पंडित उसको संस्कृत सुनाकर इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने, राजू इतना छोटा है कि उसने इंग्लिश बोल के उनको इंप्रेस करने की कोशिश की और लोगों ने तालियां बजा दी। हालांकि कितनी छोटी बात है कि वो पंडित का ज्ञान कोई उनमें कोई ज्ञान नहीं था जो उन्होंने इंग्लिश बोल के उनको चुप करा दिया, लेकिन राजू का लेवल वही था। उसके बाद जब भूख लगती है तो मंदिर की थाली पे भी हाथ मारते हैं, वो केले को यूं पकड़ के खाने की कोशिश करते हैं और यूं पीस देते हैं कि उनका भूख अंदर मांग रही है। वो अंदर का जो छोटापन है इंसान का वो उनके अंदर एक हिलोरे मार रहा है कि खा लेना चाहिए, कौन देखता है, प्रसाद है, इसको खा लेना चाहिए। लेकिन फिर भी जो उनके यात्रा थी वो कहीं और की थी और उन्होंने प्रसाद भी छोड़ा, वो थाली फेंक दी उसको मार के। और फिर जब वहां पर जाके उस मंदिर में एक ऐसा माहौल बन गया कि सारी दुनिया उनको साधु समझ के आने लगी, तो उन्होंने कहा भी था कि हे भगवान कि मुझे ये तेरा बच्चा मानते हैं और तू मुझसे इतना दूर, रोजी भी आ जाती है, माँ भी आ जाती है, गफूर भी आ जाता है, जिस सीन की अभी भट्ट साहब और मल्होत्रा साहब बात कर रहे थे, कितना प्यारा सीन था और वही गोल्डी साहब भी उसको फिल्मा सकते थे। और उसमें कैसे द्वंद दिखाया है लास्ट मोमेंट तक भी, जो अभी मल्होत्रा साहब ने बात की उनकी आंखों की और वो राजू पुराना राजू पैदा होता है कि राजू क्या सोच रहा है, रोजी आ गई है, माँ आ गई है, अब क्या चाहिए तेरे को। लेकिन फिर भी फैसला जो है वो बनने का, जहां उनकी नियत थी, नियति थी, नियत कहीं और थी, नियति कहीं और थी, और वो उनको वहां पर लेके जाती है और उसको वो उस लेवल का, वो उनकी यात्रा वहां तक पहुंचती है जब वो कहते हैं कि जिंदगी बिखर के प्रकाश हो गई है, लगता है आज हर इच्छा पूरी हो गई, लेकिन मजा देखो आज कोई जैसे इच्छा ही नहीं है। तो ये जो यात्रा है ये अपने आप में एक अनूठी अनुभूति है कि कैसे एक छोटा आदमी हीरो बन सकता है। तो मैं तो इस तरह से छोटी छोटी बातों से गाइड को प्यार करता हूँ। आप सारे ज्ञानी हैं, मैं आपके सामने इतनी नॉलेज नहीं लगता, लेकिन फिर भी मोहब्बत उतनी ही रखता हूँ जितनी आप रखते हैं। धन्यवाद। दूर पहाड़ पे बारिश हो रही है, तन भी क्या है, चलूं बदल लूं। सिर्फ ये सिर्फ गोल्डी साहब ही लिख सकते थे, गोल्डी साहब ही और देव साहब भी बोल सकते थे। हाँ जी हाँ जी, वो जो उनका गाना है कांटों से खींच के यहाँ चलो, उससे पहले भी एक डायलॉग है इनका, कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत, जिंदगी की हर खुशी हर बीच कहीं रास्ते में छोड़ाई है, और आज आप लगती हैं 16 साल की बच्ची, वही नादान बचपन की शरारत से भरपूर।
शी से जानते हो क्यों क्यों देन द सॉन्ग स्टार्ट्स कांटों से खींच के ही आज तो ये सब ये गोल्डी साहब ही कर सकते थे मुझे नहीं लगता कोई और इतना ब्रिलियंट हुआ है आज तक जो उन्होंने ऐसी महान फिल्म बनाई मैं तो इसको ऐसी पहला ही एक मिनट आप लोग सॉरी एक तरह का ये पहला ही गाना था जो अंतरिक्ष से शुरू होता है और मुखड़े पे जाता है बाद में उस बात एक बिग एक्सपेरिमेंट इसके बाद एस डी बर्मन ने और भी एक दो गाने बनाए लेकिन ये पहली बार इंडियन पिक्चर्स में हुआ तो गाना अंतरिक्ष से शुरू होके और मुखड़े पे जाता है बाद बिल्कुल बिल्कुल तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट विद अ फ्यू लाइंस कहते हैं ज्ञानी दुनिया है पानी पानी से लिखे लिखाई है सबकी देखी है सबकी जानी हाथ किसी के नाई हाथ किसी के नाई कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा थैंक यू जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच चलिए सिटी लाइव अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स